हेलो एवरीवन आज हम क्लास सिक्स की इंग्लिश का एक पॉइम पढ़ेंगे जिसका नाम है वोकेशन तो शुरू करने से पहले वोकेशन का मतलब जानते हैं क्या है वोकेशन का मतलब हो गया पेशा तो ये जो वोकेशन एक जो पॉइम है ये लिखी है रविंद्र टैगोर जी ने ठीक तो वो इस पॉइंट में बता रहे कि एक बच्चा जब स्कूल जाता है तो वो रास्ते में क्या क्या चीज़ें देखता है वैसे ही आप भी जब स्कूल जाते हो या मार्केट जाते हो तो आप रास्ते में देखते हो हर अलग अलग लोग अपना अपना पेशा कर रहे होते हैं अपना काम कर रहे होते हैं जैसे कोई दुकान चला रहा होता है कोई सब्ज़ी बेच रहा होता है कोई साइकिल का काम कर रहा होता है ये सब कर रहा होता है तो ऐसे ही आपको किसी अपने साथी के साथ इसके बारे में डिस्कस करना है और पढ़ना है ठीक है तो शुरू करते हैं तो देखते हैं इस पॉइंट में क्या लिखा है वन द गोंग साउंड टेन इन द मॉर्निंग एंड आई वॉक टू स्कूल बाईर लेन बच्चा कहता है कि जब मैं जब सुबह के दस बजे घंटी बजती है गोंग का मतलब है घंटी बजना जब सुबह के दस बजे घंटी बजती है तो मैं स्कूल के लिए निकलता हूँ जब मैं अपनी गली में पहुँचता हूँ Every day I met द हॉकर क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स हर दिन मुझे अपनी गली में एक फेरी वाला मिलता है जो चिल्ला रहा होता है कहता है कि चूड़ियाँ ले लो चूड़ियाँ ले लो ठीक है क्रिस्टल मतलब कांच की यहाँ पे जो क्रिस्टल जो है लफ्स वो कांच की चूड़ियाँ यानी शीशे की चूड़ियाँ हैं वो ले लो there is nothing to hurry हिम ऑन देर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक नो प्लेस ही मस्ट गो टू नो टाइम वन ही मस्ट कम होम तो बच्चा कह रहा है कि उस वो जो फेरी वाला है उसको किसी भी चीज़ की जल्दी नहीं है उसको कहीं भी जाना नहीं है जो कोई रास्ता नहीं पकड़ना है कि जाना है ना ही कोई जगह है जहाँ उसको पहुँचना है उसके पास बहुत सारा वक्त है और उसकी अपनी मर्जी है कि कब वो अपने घर आए आई विश आई वर एक स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स तो वो बच्चा कहता है कि मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं भी एक फेरी वाला बनूँ और मैं पूरा दिन सड़कों पर अपना वक्त बिताऊँ और ज़ोर जोर से चिल्लाऊँ कि चूड़ियाँ ले लो कांच की चूड़ियाँ ले लो वन एट फोर इन द आफ्टरनून आई कम I come back from school, I can see through the gate of that house the gardener digging the ground. बच्चा आगे कहता है कि जब मैं चार बजे दोपहर के चार बजे मैं घर आता हूँ स्कूल से तो मैं गेट से देखता हूँ अपने घर का जो गेट है वहाँ से देखता हूँ कि जो गार्डनर है यानी माली वो क्या खुदाई कर रहा है जमीन को खोद रहा है ठीक है He does what he likes with the spade. He सॉइल्स इज़ क्लोथ्स विद डस्ट नो बडी टेक्स हिम टू टास्क तो वो क्या बोलता है कि वो जो आ, माली है जो गार्डनर है वो क्या वो अपने जो फावड़े के साथ स्पेड़ का मतलब फावड़ा या एक हिसाब से बेलचा भी कहते हैं तो जो वो फावड़े के साथ उस ज़मीन के ज़मीन में खुदाई करता है अपनी मर्जी से और अपने कपड़ों को धूल मिट्टी में गंदे कर देता है और कोई भी उसको कुछ काम करने को बोलता नहीं है इफ़ ही गेट्स बेक इन द सन और गेट्स वेट और अगर वो धूप गर्म जो तेज़ धूप है उसमें अपने आप को झलाता है या बारिश में भीगता है तो उसको कोई कुछ कहता नहीं है आई विश आई वर ए गार्डनर डिगिंग अवे द गार्डन तो कह बच्चा कहता है मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं भी एक माली होता तो मैं अपने हिसाब से ज़मीन की खुदाई करता विद नो बॉडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग और कोई भी रोकने वाला ना हो उस जमीन की खुदाई करने के लिए डिगिंग का मतलब है खुदाई करना जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंट्स मी टू बेड तो बच्चा आगे कहता है शाम को जब शाम हो जाते अंधेरा हो जाता है तो मेरी माँ क्या करती है मुझे सोने के लिए बोलती है सेंट्स मी टू द बेड मतलब मेरे को बोलती है जाके सो जाओ आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो वॉकिंग अप एंड डाउन तो जब मैं सो वो कहता है बच्चा जब मैं सोने मेरी माँ मुझे सोने के लिए बेचती है तो मैं अपनी, अपने कमरे की खिड़की से देखता हूँ एक वॉचमैन वॉचमैन कौन हो गया वॉचमैन हो गया जो घर की रखवाली करता है जो मोहल्ले की रखवाली करता है ठीक है तो वो मैं उसको देखता हूँ और वो क्या कर रहा था वो आगे पीछे चल रहा होता है अप एंड डाउन कभी ऊपर कभी नीचे वो नजर रखे हुए होते हैं द लेन इज डार्क एंड लोनली एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड लाइक एंट विद वन रेड आई इन इन इट्स हेड तो वो बोलता है आगे कि जो गली है हम जो उसकी गली है वो काफ़ी वहाँ पे काफी अंधेरा है और काफ़ी सुनसान है और वहाँ पे सिर्फ एक क्या है स्ट्रीट लैम्प यानी एक पोल पे एक लैंप लगा हुआ है वो इस तरह से लगता है वो एक एक बड़ा सा कोई धानव जैसा है जाइंट मतलब बहुत बड़ा राक्षस जैसा और जिसकी एक आंख और उसके सिर पे सिर्फ एक आंख हो दूर से उसको ऐसा दिखता है दॉच मैन स्विंग्स इज लैंटर्न एंड वॉक्स विद हिज शेडो एट हिज साइड एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ तो जो वॉचमैन है जो चौकीदार है वो क्या वो अपनी लैंटर्न लैंटर्न का मतलब लालटेन उसको हिला हाथ में हिलाते हुए झुलाते हुए वो चलता है और उसकी जो परछाई है उसके पीछे पीछे चलती है और उसे कभी सोने को नहीं जाना पड़ता अपनी जिंदगी में आई विश आई वर ए वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट चेंज द दैडोज विद माई लैंड तो वो कहता है कि मेरी भी मेरी कभी मेरी भी ख्वाहिश होती है कि मैं एक चौकीदार बनूं और मैं अपने गलियों में मोहल्लों में चलता रहूं पूरी रात और अपनी जो परछाई है उसका पीछा करता रहूं किससे अपने लालटेन से ठीक है तो ये एक पॉइम थी पॉइम है जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है ठीक है तो अगर इसका मैं आपको ये तो ओवरव्यू बताऊं कि एक ऊपर मोटे तौर समरी जिसको बोलते हैं उसमें ये है कि एक बच्चा सुबह दस बजे स्कूल के लिए निकलता है और हर दिन वो देखता है एक फेरी वाले को जो चूड़ी बेच जाता है वो इंसान क्या होता है वो फेरी वाला क्या होता है वो पूरा दिन अपनी मस्ती से मौज से घूमता रहता है घूमता फिरता रहता है उसको कोई टेंशन नहीं होती बस तो उस बच्चे को मन में होता है कि उसके दिल में आती है ख्वाहिश आती है कि मैं भी उस फेरी वाले की तरह घूमूँ उसकी तरह सुखी रहूँ और ऐसे ही काम उसका जो कर लूँ उसका काम मान लूँ ठीक है फिर क्या होता है दोपहर के बाद जब बच्चा शाम को चार बजे घर से लौटता है तो वो एक, एक माली को देखता है माली वो क्या चल रहा है वो फावड़ा चला रहा होता है यानी बेलचा चला रहा होता है और अपनी मर्जी से ज़मीन को खोता है तो उस बच्चे को अंदर से लगता है कि कि माली कितना माली का पेशा कितना अच्छा है अपनी मर्जी से ज़मीन खोता है अपनी मर्जी से कपड़े गंदे करता है चाहे धूप हो चाहे गर्मी हो उसे कोई भूलने वाला नहीं है कोई डांटता नहीं है तो ये सोच के फिर शाम जब होती है तो शाम जब होती है तो उसकी माँ जो है उसको बोलती है कि अपने बच्चों की जाके सो जाओ और जब बच्चा जब सोने के लिए जाता है तो अपनी खिड़की से देखता है कि एक चौकीदार जिसके हाथ में लालटेन होती है तो वो अपना काम कर रहा होता है अपना पे अपनी ड्यूटी दे रहा होता है तो वो वो उसका क्या काम होता है सारी गल सारी रात पूरी गली में घूमता रहता है आगे पीछे ऊपर नीचे तो बच्चे को क्या उसे एक तरीके से जलन होती है कि काश मैं भी चौकीदार होता तो मैं भी पूरी रात घूमता रहता और जो अपनी परछाई है उसके आसपास उसके पीछे पीछे दौड़ता और अपना जो काम है अपनी मर्जी से करता कोई बोलने वाला नहीं है तो ये एक शॉर्ट में आपके लिए था ठीक है उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी शुक्रिया